हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे फराटा फैन यानी 24 सलाट का जो फराटा फैन होता है, 24 सलाट फराटा फैन की बाइंडिंग कैसे करें, उसके लिए माला कैसे बनाए, पीवीसी पेपर कितने नंबर का होगा, तार कितने नंबर का होगा और स्लिप कितने नंबर की होगी, कैपेसिटर कितने एमएमडी की लगे, कंप्लीट जानकारी आज हम सीखेंगे यहाँ पे 24 सलाट फैन के बारे में कि 24 सलाट को कैसे भरते हैं और उसमें क्या क्या होता है और कैसे वो चलता है, कैसे कार्य करता है, कनेक्शन कैसे करती है। कंप्लीट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं फराटा फैन। फराटा फैन में जो सबसे पहले देखिए इसकी बाइंडिंग में क्या है। सबसे पहले सलाट जो है इसमें 12। सलाट क्या होता है, एक मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं जिसमें एक भाग का नाम होता है स्टेटर और एक भाग का नाम होता है रोटर। रोटर क्या होता है कि मोटर का वो भाग जो बीच में घूमता है उसे रोटर कहते हैं और मोटर का वो भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है और वो घूमता नहीं है उसे स्टेटर कहते हैं। तो ये है स्टेटर। स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने होते हैं इसे सलाट कहते हैं और इन कटो खानों की संख्या जो इस मोटर में है वो टोटल 24 है, इसलिए ये 24 सलाट का मोटर कहलाता है। 24 सलाट का जो मोटर होता है वो कॉमन रूप से होता है। कॉमन रूप का मतलब ये हुआ कि अधिकतम मोटरों में 24 सलाट का ही फैन प्रयोग किया जाता है, 24 सलाट का ही मोटर प्रयोग किया जाता है। इसकी बाइंडिंग देखेंगे कंप्लीट कैसे होती है। तो सबसे पहले किसी मोटर में बाइंडिंग होती है दो प्रकार की, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। रनिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना यानी चलाना, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब शुरू करते हैं इसमें कैप। ये है सलाट। सलाट क्या होता है, ये होता है सलाट क्या होता है, इसमें कटे कटे खानों को सलाट कहते हैं और इसमें लिखा है सलाट 12। 12 का मतलब ये हुआ कि 12 रनिंग में और 12 स्टार्टिंग में यानी टोटल 24, यानी इसमें 24 कटे खाने, 24 सलाट है। 24 सलाट का जो मोटर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अधिकतम सभी मोटरों में 24 सलाट ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हो गया हमारा ये सलाट हो गया 12 12 24। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पीवीसी पेपर। ये पीवीसी पेपर क्या होता है, ये एक पीवीसी पेपर एक प्लास्टिक ऐसे पेपर होता है। इस पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जब मोटर को बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग करते समय जो सलाट है सलाट के बीच में पीवीसी पेपर इसकी साइज़ के अनुसार यानी सलाट के साइज़ के अनुसार काट करके और इसको ऐसे इसमें लगा देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर से इसमें तार भरते हैं। तो तार भरने से क्या होता है कि जब हम इसमें मोटर की बाइंडिंग करते हैं वो जो बाइंडिंग वाला हमारा तार होता है वो जा करके इसके लोहे में कहीं बॉडी में इसके टच नहीं होता है, जिसकी वजह से फैन में करंट नहीं आता। अगर ये पीवीसी पेपर नहीं लगाया जाए तो इसमें करंट आता है। उसके बाद इसका कनेक्शन भी ये है कि सबसे पहले पीवीसी पेपर लगाना है। तो पीवीसी पेपर देखिए नंबर से 5 नंबर की बात यहाँ पे, 7 नंबर भी लग सकता है। 5 नंबर और 7 नंबर में डिफरेंस क्या है कि 5 नंबर का पीवीसी पेपर जो है वो थोड़ा सा पतला होता है और 7 नंबर का पीवीसी पेपर थोड़ा सा मोटा होता है। तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में 5 नंबर का ही पीवीसी है, यानी कि पूरे स्टेटर के पूरे सलाट में सभी सलाटों में 5 नंबर का पेपर लगेगा, यानी जितने भी ये कट्टे खाने हैं सभी सलाटों में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगाएंगे। पीवीसी पेपर के बाद यहाँ पे वायर है, वायर नंबर 35। वायर नंबर का मतलब ये होता है वायर कितने नंबर का लगेगा। वायर का नंबर मतलब होता है कि जो बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया जाता है, बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया जाता है वो वायर जो है ये नंबर से आते हैं। नंबर से आते हैं कि इसमें मोटा और पतला जो होता है नंबर के हिसाब से होते हैं। जैसे कुछ होते हैं कि अधिक नंबर, ये जो नंबर होता है ना ये कम से कम 16 नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर के वायर आते हैं। 16 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के वायर मार्केट में आते हैं। 16 नंबर का तार जो होता है वो सबसे मोटा होता है, 50 नंबर का पतला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर जितना बढ़ता है तार की मोटाई कम होती है और नंबर जितना घटता है तार की मोटाई बढ़ती है। यहाँ पे 35 नंबर का तार प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा है क्वाइल लेंथ। क्वाइल लेंथ का मतलब माला की लंबाई, यानी कि जब इसमें भरने के लिए, जब मोटर को भरने के लिए जो इसमें माला बनाएंगे वो जो माला है इस माला की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये माला की लंबाई जो इसमें है 12.5 इंच लिखा हुआ है। देखिए ये भी थोड़ा सा स्टेटर के अनुसार है, हमारे हिसाब से ये 12.5 इंच जो है वो सभी में नहीं लगता है। 12.5 इंच का माला जो है वो सबसे छोटे स्टेटर में लगता है 24 सलाट के। इसके अलावा इसमें कुछ स्टेटर ऐसे भी होते हैं जिसमें 13 इंच या 13.5 इंच या 15 इंच मैक्सिमम अधिकतम लगते हैं, बाकी 13 इंच से 15 इंच से कम ही लगते हैं। जो माला की लंबाई यहाँ पे 12.5 इंच है। उसके बाद इसमें क्या है, माला की लंबाई देखिए स्टार्टिंग में भी वही है। उसके बाद क्या है, इंच 15 इंच है। उसके बाद टर्न है, टर्न क्या है 220 टर्न का माला बनेगा इसके बनाने के लिए। यानी कि जब इसको माला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक किल गाड़ेंगे और ये दूसरी किल है और एक किल से दूसरे किल के जो बीच की दूरी है यहाँ की दूरी जो है वो है 12.5 इंच, यानी 12.5 इंच माला लंबा है और इस तरह से इसको लपेटना है। लपेटने के बाद जो है इसमें टर्न की बात है, टर्न है इसमें 220, यानी 220 चक्कर 35 नंबर के तार से इसको लपेटेंगे और लास्ट में एक तार तो वो मिलेगा जब शुरू करे थे और एक तार वो मिलेगा लास्ट में जब हम खत्म करेंगे। जब हमारे पास दो तार इसमें से निकल जाए, 220 टन का माला बन जाए, तो उसके बाद करते क्या, इसको धागा लेते हैं और चार जगह से लगभग इसको बांध देते हैं। बांधते क्यों कि ये इधर उधर बिखर ना जाए, इसलिए इसको बांध देते हैं। और बांधने के बाद ऐसे देखिए इस तरह से माला बनके तैयार होता है और इसको धागा लगा करके ऐसे 3-4 जगहों से बांध देते हैं ताकि ये तार इधर उधर बिखर ना सके। उसके बाद बांधने के बाद करना क्या, इसमें स्लिप इसमें 0 और 3 नंबर ये कहीं जोड़ पे लगाते हैं। उसके अलावा ये पिच क्या होती है, 1 से 8 एक राउंड
एक से 10 एक राउंड और एक से 12 एक राउंड। इसकी जो पिच होती है वो है एक से 8 एक राउंड, फिर है एक से 10 एक राउंड और फिर है एक से 12 एक राउंड। यानी एक ही राउंड है तीनों में, ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में यही है कि एक से 8 एक राउंड, एक से 10 एक राउंड और एक से 12 एक राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो किसी एक खाने में भरना शुरू करेंगे और जिसमें भी भरेंगे वहीं से गिनना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा एक, यहाँ दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, सात, आठ। यानी पहले से सीधे आठवें में भरना। इसकी जो पीच होगी वो पहले से सीधे आठवें में होगी, यानी यहाँ से भरेंगे और सीधे आठवें में भरेंगे। आठवें के बाद इसी में लिखा है एक से 10 एक राउंड, यानी एक से 8 एक राउंड भरने के बाद एक से 10 भी इसी माले को भरना है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए ये स्टेटर है और स्टेटर में जब माला भरना जाए भरने जाएंगे तो ऐसे भरेंगे इसको एक बार पहले से तो आठवें में, यानी कि देखिए एक साइड का एक से 8 यानी पहले से आठवें में, बाकी के बीच में जो है वो 6 खाली रहेंगे। ऐसे होगा हमारा एक से 8। उसके बाद एक से 10 करना है तो माला अभी इतना बड़ा होने के कारण इसको क्या करेंगे, दाहिने साइड से तार को पकड़ते हैं और इसी में मोड़ते हैं। मोड़ने के लिए फिर क्या करते हैं, इसी में मोड़ करके इस तरह से बनाते हैं जिससे ये होता है एक से 10 यानी दो बार। एक से 10 का मतलब क्या होता है, एक से 10 का मतलब ये होता है कि जिसमें भरे हैं सेम उसी के बगल में, उसके बगल में गिनेंगे ना ये, तो एक से 10 होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये होता है हमारा 1 से 10 यानी उसके बगल में। और फिर एक बार और भरना है उसको 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 भी भरना है, तो जिसी के बगल में ठीक 1 से 12 भी होता है। तो इस तरह से मोटर से टोटल दो तार निकलते हैं। अभी एक माला से दो तार निकले हुए, यही वो दोनों तार हैं जो बाहर निकले थे, तो 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। उसके बाद इसका दूसरा माला भरना है। दूसरा माला रनिंग का ही फिर ऐसे ही बनाएंगे, 12.5 इंच का लंबा 220 टर्न के माला से और 35 नंबर के तार से इसको बनाएंगे। और दूसरा माला भरने का तरीका इसमें ये है, दूसरा माला भरने का तरीका ये है कि इसमें दो सलाट छोड़ देंगे, एक इधर का एक यहाँ का, छोड़ के तीसरा और इधर से फिर दो सलाट छोड़ के ये तीसरा। ये जो तीसरा है ना इसको अगर आप गिने तो ये 1 से 8 होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 से 8 होता है ना, तो 1 से 8 इसको एक राउंड, फिर उसी के बगल में 1 से 10 एक राउंड और फिर उसी के बगल में 1 से 12 एक राउंड। तो इस तरह से दो तार इस माला से भी निकलेंगे और टोटल दो माला भरे जा चुके हैं और दोनों माला रनिंग के हैं और दो तार निकल चुके हैं, मतलब दो दो चार तार, टोटल चार वायर बाहर निकले हैं। ये रनिंग का था। स्टार्टिंग का भरने के लिए भी सेम सिंपल सा काम करना है, वही जो लंबाई 12.5 इंच थी वही, टर्न की संख्या में बस थोड़ी सी इसमें बढ़ा देना। इसमें जो टर्न की संख्या है वो 240 है, 240 टर्न का माला बनाएंगे और धागा से वैसे ही चार जगह से बांध देंगे। और बांधने के बाद इसको भरना कहाँ से, इसकी जो पीच है वो भी 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है। तो 1 से 8 का मतलब ये हुआ इसमें जिसमें भरे हैं एक पहला माला का इधर का पहला और इधर जो दूसरा माला भरे उधर का पहला, ये इसको गिनेंगे ना ये 1 से 8 होता है। गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये हो गया 1 से 8, 1 से 8 यहाँ पे एक राउंड और फिर इसी के बगल में इसको भी डालेंगे 1 से 10 एक राउंड और फिर उसके बगल में 1 से 12 एक राउंड। और इसमें से भी ऐसे ही दो तार निकलेंगे क्योंकि यहाँ से दो तार निकाले हैं माला से। उसी के बाद अगला माला फिर बनाएंगे इसी तरह का और उसको भरना इधर से दो सलाट छोड़ के तीसरा और इधर से दो छोड़ के तीसरा, यानी इधर का किनारे पहुँचेगा और इसको भी वैसे भरेंगे 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 ये यहाँ पे एक राउंड और उसके बाद 1 से 12 एक राउंड। इस तरह से सभी सलाट जो है, जितने भी सलाट हैं सभी माला भरा जा चुका है और कंप्लीट हो चुकी है बाइंडिंग। कनेक्शन इसका बाकी है, पूरी कंप्लीट इस तरह से माला भर लेंगे। और भरने के बाद बताते हैं इसमें देखिए पिच था 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 एक राउंड। उसके बाद इसमें लिखा है पोल, पोल का मतलब हो गया दो, दो पोल का मतलब ये होगा किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं, किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो इस मोटर में टोटल चार माला भरे गए हैं लेकिन जिसमें दो माला रनिंग के और दो स्टार्टिंग के हैं, तो दो ही माला रनिंग के इसलिए इसको दो पोल का मोटर कहते हैं। उसके बाद है कैपेसिटर 2.5 एमएफटी का, आरपीएम इसका 2400 से 2800 रहेगा और कनेक्शन 1 से 3। कनेक्शन 1 से 3 का मतलब ये हुआ कि कोई भी मोटर हो, दुनिया का पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी मोटर हो और सभी का कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है। और 1 से 3 का मतलब ये हुआ कि 1 से 3 रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। देखिए जैसे कि 1 से 3 है, देखिए हमने यहाँ पे चित्र कुछ दूसरे तरीके से बना करके कनेक्शन दिखा रहे हैं आपको डायरेक्ट कि चार माला टोटल भरे थे तो चार माला थे और हर माले से दो तार निकला हुआ था जिसमें दो रनिंग के दो स्टार्टिंग के थे। तो मान लीजिए कि दोनों रेड वाले जो है वो रनिंग रनिंग के हैं और दोनों जो ग्रीन है वो स्टार्टिंग के हैं। तो इस प्रकार से अगर इसका कनेक्शन करना तो एक तार सबसे पहले बाहर छोड़ते हैं जिसको हम लिखते हैं रनिंग वन, रनिंग वन वन या टू कुछ भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगले से गिनते हैं एक, यहां पर होगा हमारा दो। कि देखिए रनिंग को रनिंग से ही गिनना है, स्टार्टिंग का है बीच में तो इसको नहीं गिनना है, यानी कि स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से गिनना है, बीच में रनिंग है तो नहीं गिनना है। यहां से एक, ये है दो और ये तीन, एक और तीन को यहां पे आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद कनेक्शन क्या करना है, देखिए यहां से तो रनिंग का कनेक्शन हो गया, रनिंग वन यहां निकला, सॉरी स्टार्टिंग वन होगा, ये
स्टार्टिंग वन और इधर स्टार्टिंग टू होगा। उसके बाद कनेक्शन यहाँ से करेंगे, रनिंग को लिखेंगे यहाँ पे रनिंग वन लिखेंगे और आगे से कनेक्शन करेंगे। एक होगा यहाँ और ये होगा दो और ये है तीन, तो एक और तीन को यहाँ पर भी जोड़ देंगे ऐसे। और उसके बाद ये जो तार निकलेगा ये निकल जाएगा रनिंग टू। तो इस प्रकार से टोटल चार तार निकलेंगे, एक दो तीन चार, चार तार में इसमें दो रनिंग के हैं, रनिंग वन रनिंग टू स्टार्टिंग वन स्टार्टिंग टू। और कनेक्शन क्या है, एक रनिंग है कि स्टार्टिंग मिला के कॉमन बनाते हैं। और उसके बाद ये जो दो तार बचते हैं इन दोनों में कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर जो 2.5 mFd कराएगा। अब बाहर से जो न्यूट्रल और फेस आता है न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ते हैं, फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ते हैं। अगर इस अवस्था में फैन सीधा चल रहा तो ठीक है, और अगर उल्टा चलता है तो इसके इसी पॉइंट को छोड़ करके दूसरे पॉइंट में जोड़ देते हैं। इस तरह से ये फैन हमारा कंप्लीट हो जाता है।